इससे पहले कि वो हमें देख ले, निकलते यहाँ से। बाप रे, भगवान बचा ले, महारानी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम तो 4:58 में पहुंच गए। अरे इतना भी टाइम का पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें यहाँ के सीईओ से मिलवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे चलो ना। आज मंडे को मैं किसी से नहीं मिलता। यार भाई लोग, एक बार फिर से मुझे आप लोगों को हैप्पी न्यूज़ सुनानी है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तुम्हें हाथ बटाने के लिए साथी चाहिए था ना, तो आज से तुम्हें ज्वाइन कर रही है मिस अनु। सरप्राइज ये है कि मिस अनु यहाँ फोकट में काम करेंगी, क्योंकि ये कोई और नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। बॉस की बेटी। थैंक यू पा, ताली बजाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों को किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। गौतम, ये गौतम तेरे को बहन बुला ली है। हे गौतम, गौतम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें बुला रही है। भगवान तुम्हारा भला करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी हमारी ही तरह एक खबरी लाल है, बस ये थोड़े बड़े चैनल में काम करते हैं, बीबीसी में काम करते हैं। ये अब हमें न्यूज की ABCD सिखाएंगे। ये मेरी ही बेटी है, मुझे खुद पे ही शक है। और साथ में हमें ये टिप्स देंगे कि एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मिस्टर गौतम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बेवकूफ तो पहले से थी, इसने इसे उल्लू भी बना दिया रे। लगता है बिन पागल हो गई है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है पा, क्या बात है बताइए। अरे आप हंस रहे हैं। तू यहाँ? अरे बेटी, ये उल्लू का पट्टा पिछले 2 साल से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि इसे कुछ भी आता जाता नहीं। अब ये हमें काम सिखाएगा क्या? चुप कर, तुमने इसे मारा क्यों? आप चुप रहिए पा। ए, तुमने बीबीसी बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। छी। अनु अनु, मेरी बात तो सुनो। पहली नजर में तुम भाग गई, इसलिए मुंह से झूठ निकला। सॉरी सर। तुमने बीबीसी बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। रिपोर्टर के नाम पर तुम्हें कलंक हो। छी। तुम बीबीसी में काम कर सको ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है तुम में। ये बीबीसी तेरा बेड़ा गर्क करा देगा, लिख के रख ले। बीबीसी में जाना मेरा सपना ही नहीं, मेरी जिद है, मेरा जुनून है। हमारे खानदान में कोई भी कामयाब जर्नलिस्ट कभी नहीं बन पाया, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। पर दादा का बाप का सबका बदला लूंगा बीबीसी ज्वाइन करके। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करूंगा। अपने उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरा। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मिस्टर गौतम, अगर आपको बहुत ही उलझा हुआ केस सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उस केस को होशियारी से सॉल्व करके आप जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? मिस्टर गौतम, हमारे पास आपके लिए एक केस है। ये केस एक लड़की का है जिसका नाम है आयरीन। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के 8th फ्लोर से गिर के मर गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। सिक्योरिटी कैमरा में भी किसी के अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिला। तुमको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुइसाइड था या मर्डर। एंड एज अ जर्नलिस्ट तुम ये इन्फॉर्मेशन सेंसेशनल वे में कैसे प्रेजेंट करोगे? सर मैं समझा नहीं, एक बार फिर से। फिर से का क्या मतलब? एक बार में बात समझ में नहीं आई क्या तुम्हें? यहाँ पे YouTube चल रहा है क्या जिसे रिवाइंड करके देख सको? अब जरा ध्यान से सुनो। आयरीन नाम की लड़की 8वें माले से गिर के मर गई। मेन डोर अंदर से बंद था। CCTV कैमरे के फुटेज से हमें कोई सुराग नहीं मिला। एज ए जर्नलिस्ट तुम ही बताओ ये सुसाइड है या मर्डर, और इस केस को तुम कैसे सनसनीखेज बनाओगे? सर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। ये बेकार में हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जिसे देखो माइक पकड़ के जर्नलिस्ट बन जाता है। इसे काम पे शहर की ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से आयरीन नाम की लड़की ने कूद के जान दे दी। पुलिस की तहकीकात बता रही है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वो कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। आपने शायद देखा नहीं कि लाश के पैर पर नेल पॉलिश है, पर दाएं पैर की नेल पॉलिश अब तक सूखी भी नहीं है, यानी उसने मरने से कुछ देर पहले ही लगाया होगा। लेकिन बाएं पैर की आखिरी 2 उंगलियों पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं है। साथ ही देखिए टेबल पर नेल पॉलिश वैसी की वैसी खुली पड़ी है।
अगर कोई सच में खुदकुशी करना चाहेगा तो पैरों पे नेल पॉलिश लगा के थोड़ी कूदेगा। सही जा रहा है। तहकीकात ये बता रही है कि लड़की घर में बिल्कुल अकेली थी, उससे कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन टेबल पर 2 कप पड़े हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके पास आया था और उसने बैठ के उसके साथ चाय भी पी थी। अगर आप गौर करेंगे तो दरवाजा अंदर से लॉक दिखेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आया था वो सिर्फ दोस्त नहीं था बल्कि दोस्त से भी बढ़कर था। सिक्योरिटी कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो सब मिटा दिया गया, जिससे साफ है कि कातिल बहुत शातिर है। इसलिए मेरे हिसाब से दूर दूर तक ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। मैं आर गौतम और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज। शक्ल देख के अक्ल का अंदाजा लगाना अक्लमंदी नहीं है। Wow, hey, very good. I'm impressed. बहुत बढ़िया केस सॉल्व किया लड़के ने। हाँ, well done, young man. शक्ल, thank you, sir. तुम्हारी वजह से हमारा चैनल लोगों की नजर में आ गया। अगर बीबीसी वाला पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया तो हमारे चैनल का नाम से सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरे नहीं नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कभी कभी हमारे चैनल में आओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। एनीवे, कंग्रेचुलेशन। और बता, पार्टी कब दे रहा है तेरा? बाय, अभी ढाबे पे पार्टी चाहिए। अरे हाँ, जब चाहे ले लो। ये क्या बोला? मिले तो जब चाहे ले लो, असल में पार्टी मैंने तैयार करो। ये छोड़ क्यों नहीं रही? लगता है इसके दिल में कुछ है। ये मुझे लाइन दे रही है, पर मैं इसे रिस्पेक्ट दूंगा। अरे मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें गहरे सागर की तरह हैं। अच्छा, जिसमें मैं डुबकी लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी नाक ऐसी है जैसे कोई लंबा रास्ता हो। शर्म आ गई। तुम्हें देख के मेरे तन बदन में आग लगती है। इस आग को कब बुझाओगे? दिखने में तो लंगूर जैसे हो, लेकिन हो मेरे हीरो। वैसे इतिहास गवाह है, लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है। साबित करो। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ एवरेज टाइप के लड़के घूमते हैं। सिर्फ एक संडे का सब्र और कर लेना तो उससे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तो हुआ ना लंगूर के हाथ अंगूर? हाँ ये तो है, और कैसे? मेरा बीबीसी का झूठ सुनते ही मेरी झोली में आकर गिर गई। एक बार क्रॉस चेक तो करती FB पे, LinkedIn पे, पर तुम लालच में आ गई। इसलिए लालच की बुनियाद पर बने हुए रिश्तों में मिठास कभी नहीं आती। हाँ ये बात तो है, तो हमारे बीच क्या है? वही जो वीर जारा के बीच था। जरा खुल के बताओ। लाफ। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? क्या क्या बने? सर, मैं जंगल से सर आने से क्यों पकड़ रहे? छोड़ो सर, इसे अरेस्ट करने की वजह क्या है? इसके पास नकली डिग्री सर्टिफिकेट है, फ्रॉड है ये। सामने पब्लिक है वरना मार मार के सुअर बना देता। ए जा, नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। सर, मैं हूँ कार्तिक। क्या हुआ सर? कानून की आंखों में से भूल चुकते हैं। सर आप जिसे ढूंढने की कोशिश करें आप देख लीजिए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है सर। सर वो देखिए, वो है। सर मार क्यों रहे हैं सर? सर सर क्या क्या, मैंने वो तो बताइए सर। सर वो घुंघराले बाल वाले ना, वो करण है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर चल 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 सर, ये है मिस्टर अविनाश। बताइए सर, इधर बात कर। मेरा ही नाम अविनाश है। अरे मार क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे CI सर की कॉपी चाहिए। मैंने जैसे ATM से पैसे निकाले, एक चोर पीछे से मेरे पैसे लेकर भाग गया। सर, 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 सर,
बोल सर चल बताता है कि नहीं सर 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 छोड़ दीजिए सर पुलिस से छूट सर सर हमने कुछ नहीं किया सर 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 प्लीज हमें जाने दीजिए सर कुछ नहीं किया अब ये कानून को धोखा देता है बच नहीं सकता तो सर तू कौन है बे लल्लू मेरा नाम गौतम है आप लोगों को गलत फहमी हुई है मैंने कुछ नहीं किया है सर एक्सप्लेन कर मैं एक रिपोर्टर हूँ सर कौन से चैनल का बे सर स्काई टीवी ये कब खुला भाई गौतम ये तुम्हें उकसा रहा है इसकी बातों में मत आना फोन पे हम ऐसी कंप्लेंट्स नहीं लेते ऑनलाइन रोड से जो कंप्लेन आई है सर वो मुझे रात को गंदे गंदे मैसेज भेजता है रिपोर्टर है तो क्या तोप है बोल बे हाँ आप मार क्यों रहे हैं बिना वजह इस तरह हाथ नहीं उठा सकते अब तू कौन मैं लॉयर हूँ ये आईडी कार्ड ये मेरा दोस्त ये है। कौन मैं इसका बाप आपने इसको तोड़ डाला इसने किया क्या है एजुकेशन लोन फोर्जरी इन पांच लुक्खों ने एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है ये कहकर कि लंदन में पढ़ेंगे कैम्ब्रिज से डिग्री लेंगे इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले इनके पूरे खानदान में आज तक लंदन का कोई मुंह नहीं देखा होगा पुलिस के नेटवर्क को क्या समझ रखा है कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं की है 130 करोड़ की वो भी फुल प्लानिंग के साथ सर मैंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है सर ए पीछे सर के बीच में बोलेगा तेरा ये लोचे लबाचे का प्रूफ है क्या अरे अमित फाइल ले क्या